Beginning of the bulletin, let's go live across to Fatehpur, where Prime Minister Narendra Modi is addressing an election rally. दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये जो श्रद्धा का भाव है वो हमें कर्तव्य की प्रेरणा भी देता है, जिम्मेवारी का एहसास कराता है। जो सपने सरदार पटेल ने देखे थे उन सपनों को भले 70 साल बीत गए लेकिन अब भी हम सब ने कठोर परिश्रम करके सही नीतियां बना करके ईमानदारी और नीयत के साथ अगर उन नीतियों को लागू किया तो सरदार साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा फतेहपुर एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐतिहासिक धाम है। यहां के कई स्थान बिटौरा, असनी घाट, पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली माना जाता है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद जोधासी अटैया, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा, यही धरती है जिसने देश को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वातंत्र सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, 3रा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि मतदाता बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से
अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार 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 करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी ठीक नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा, कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बेहाल, गांव गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए। Well, you were just listening to Prime Minister Narendra Modi as he addressed a public rally in Fatehpur in Uttar Pradesh. He lauded the greatness of Fatehpur as a center of cultural and historical heritage, as a land of great poets and heroes as well as martyrs, and said that development must happen in Uttar Pradesh.